नमस्कार साथियों स्वागत है सभी का पार्थ एजुकेशन में सबसे पहले आपने थंबनेल देखा होगा कि कि थंबनेल पे लिखा ये गया है कि क्या प्राविधिक कला वालों को टीजीटी उत्तर प्रदेश में शामिल होने की सहमति है अनुमति है तो ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कला के विद्यार्थियों के लिए कला के विद्यार्थी हमेशा इस बात से जद्दोजहद करते रहते हैं कि कब तक वो कला विषय के को लेकर के किस प्रकार से वो अपने विषय को लेकर के और आ, कब तक वो सहूलियत होंगे जिन्हों जो बच्चे अभी बारहवीं में जो भी बच्चे अभी बारहवीं में प्राविधिक कला से पास हुए हैं उनके पास क्या क्या आगे उसके राह हैं कि अगर कोई बारहवीं की कला पास किया है परीक्षा तो क्या क्या वो कर सकता है इन सारे बातों को लेकर के आपके सामने एक प्रश्न आता है तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप में से कोई ऐसा है जो अभी अः यहाँ प्राविधिक कला से जो भी इंटरमीडिएट की परीक्षा पास हुआ है सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में आप जानते होंगे कि जो चयन बोर्ड माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है चयन बोर्ड वास्तव में योग्यता को लेकर के अहर्ता को लेकर के हमेशा विवादों में रहा है और वो भी कला विषय को लेकर के तो अगर आप टी में अगर आप टीजी टी में कला का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है वो ये है कि कब तक प्राविधिक कला वालों को शामिल रखा जाएगा इसमें तो ज्यादातर बच्चे मुझे इस बात के लिए जरूर मैसेज करते हैं फोन करते हैं फेसबुक पर तो ये मेरे लिए एक बड़ा प्रासंगिक मुद्दा हो गया था कि इस मुद्दे पर मैं आप सभी लोगों से बातचीत कर पाऊं इस मुद्दे पर मैं आप सभी से बातचीत कर पाऊं कि क्या प्राविधिक कला वाले बच्चे यूपी टीजीटी में शामिल नहीं हो पाएंगे या अगर हो पाएंगे तो क्या उनका क्राइटेरिया रहेगा तो सबसे पहली चीज है प्राविधिक कला को लेकर के जो योग्यता बताई गई है कि अगर आप टीजीटी कला के शिक्षक बनना चाहते हैं तो टीजीटी कला का शिक्षक बनने के लिए आपके पास जो योग्यता मांगी गई है वो योग्यता तो एक स्नातक कहा गया कि स्नातक हो आप और साथ ही साथ अगर आप बारहवीं में टेक्निकल आर्ट परीक्षा पास हैं तो टेक्निकल आर्ट अब पास मांगा गया है अब इसमें अगर आप 33 परसेंट से भी पास हैं तो भी शामिल हो जाएंगे लेकिन स्नातक में 45 प्रतिशत वाला समस्या है 45 परसेंट आपके पास होना चाहिए या पासिंग भी है जो एज रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो बताया गया है तो अगर आप बारहवीं में कितना प्रतिशत ले आएंगे तो आप जानिए इस बात को लेकर के कि 33 प्रतिशत पा करके आप पास हो जाते हैं ना जैसे अगर किसी ने 40 नंबर पा लिया है और या किसी ने इसमें 42 नंबर पा लिया है या किसी का इसमें 35 नंबर है तो सवाल है कि क्या प्राविधिक कला एक बारह में 35 नंबर पाने वाला शामिल होगा ये सवाल आप लोग पूछते हैं ना कि किसी ने केवल 35 नंबर पाए हैं प्राविधिक कला में किसी ने केवल 40 नंबर पाए हैं तो क्या वो टीजीटी पीजीटी कला में शामिल होगा कि नहीं होगा यहां इंटरमीडिएट में आपसे परसेंटेज की बात नहीं की गई है यहां बात की गई है आपसे परसेंटेज स्नातक को लेकर के तो मैं पूरी तरह से इस बात को क्लियर कर दूं कि अगर आप यहां जुड़ना चाहते हैं यहां जुड़ना चाहते हैं प्राविधिक कला से अगर आपने किया हुआ है सिंपल सी एक बात यह है दोस्तों कि देखिए टीजीटी को अगर आप देना चाहते हैं अगर आप टीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं तो एक बड़ी बात आप समझिए कि अगर आप टीजीटी का परीक्षा पास करना चाहते हैं, मतलब टीजीटी कला का शिक्षक आपको बनना है टीजीटी कला का शिक्षक बनना है तो सबसे कम योग्यता जो सबसे कम योग्यता मांगी जाती है वो सबसे कम योग्यता कला के शिक्षक के लिए मांगी जाती है चैन बोर्ड के द्वारा मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था कि अगर आप मिनिमम क्या है कम से कम आपके पास स्नातक आप हो और स्नातक पास होना चाहिए अपेयरिंग नहीं स्नातक पास हो और बारहवीं में बारहवीं में आप प्राविधिक प्राविधिक कला विषय के साथ आप परीक्षा दिए हो प्राविधिक विषय हो ठीक है प्राविधिक कला का विषय हो तो आप टीजीटी कला चयन बोर्ड में दे सकते हैं जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है यहां पे आप परीक्षा में योग्य माने जाते हैं ये सबसे मिनिमम है और इसको लेकर के हमने पीछे आपसे बातचीत कर लिया था पीछे बातचीत कर लिया था अब यहां इंटर में जब आप बारहवीं पास हो रहे हैं तो बरहवी के परसेंटेज का कोई विशेष तथ्य नहीं है आप पास हैं बयालीस पैतालीस अड़तालीस जो भी नंबर आपके पास है आप पास हैं तो आप टीजीटी कला के योग्य हैं टीजीटी कला में आप बैठ सकते हैं खुशी खुशी ठीक है ये पूरी स्पष्ट और क्लियर कट बातें और अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछिए अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रश्न चाहिए आप किसी बात को जानना चाहते हैं आपको किसी बात की जानकारी चाहिए तो वो आप मुझे बिल्कुल बताइए अंकिता सिंह कह रही हैं कि मेरी तो जान ही निकल गई थी क्यों उन, मेरा उनतालीस नंबर था और सब कह रहे थे कि पचपन होने चाहिए नहीं उस इंटरमीडिएट में नहीं होने चाहिए वो स्नातक में होने चाहिए फिर ध्यान रखिएगा कि अभी चैन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर आधिकारिक वेबसाइट पर नए विज्ञापन का कोई मैटर तो आया नहीं है नया विज्ञापन का जो आया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं लेकिन इसमें अगर विशेष परिस्थितियों में अगर कोई परिवर्तन होता है तभी होता है विशेष परिस्थिति में अगर परिवर्तन होगा तभी परिवर्तन होगा नहीं तो अब अगर पुराने मानक के हिसाब से काम हो रहा है तो पुराने मानक के हिसाब से आपको वही पुराने मानक लेकर के चलना होगा जो होगा अच्छा पहला सवाल और दूसरा सवाल आपके लिए क्या होता है दूसरा सवाल आप ये है कि यूपी टीजीटी यूपी टीजीटी आर्ट में प्राविधिक प्राविधिक कला वाले बच्चे कब तक शामिल हो रह सकते हैं तो ये देखिए अभी जब तक जब तक कोई नया आदेश नया जियो नहीं आ जाता है तब तक ये विज्ञापन की जो भर्तियां हैं वो उसी पुराने पर होंगी ठीक है वो उसी पुराने पर होंगी तो अगर उसी पुराने पर विज्ञापन पुराने विज्ञापन पर भर्तियां होंगी तो पुराना नियम ही तो उसमें लागू होगा नियम कौन सा लागू होगा पुराना नियम लागू होगा अब ये हमेशा बात कही जाती है कि अब की बार खत्म हो जाएगा अब की बार हटा दिया जाएगा ये ऐसा नहीं है ये बात 2011 से ही चल रही है 2011 से ही कहा जा रहा है कि बरहमी से टेक्निकल आर्ट वालों को टीजीटी में नहीं रखा जाएगा इसको लेकर के बड़ा बवाल भी हुआ काफी लोग परेशान भी परेशानी भी खड़ी की है। लेकिन अभी तक चैन बोर्ड से यह हटा नहीं है ध्यान रखना प्राविधिक कला केवल और केवल उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा चैन बोर्ड से निकलने वाली टीजीटी की भर्ती में ही लागू होती है ना तो एल में लगता है ना जी दे सकते हैं ना अदर स्टेट दे सकते हैं कहीं भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं अगर आप बारहवीं में टेक्निकल आर्ट है अगर आप बारहवीं में टेक्निकल आर्ट है तो केवल और केवल केवल और केवल आप कहा भर सकते हैं यूपी टीजीटी का फॉर्म ही भर सकते हैं बाकी भारत में किसी भी जगह इतनी कम योग्यता में टीचर आप नहीं बन सकते हैं सवाल ये कि क्या बी करना जरूरी है तो अगर आप प्राविधिक कला से टीचर बनना चाह रहे हैं तो अभी प्राविधिक कला के लिए बी की अनिवार्यता नहीं है अभी इस वर्ष आपकी जो फॉर्म भरा गया है उसमें बी की अनिवार्यता नहीं है ठीक है प्राविधिक कला में इसकी अनिवार्यता नहीं है अच्छा ये मुझे बताइए कि कितने लोग हैं जो प्राविधिक कला के बात को लेकर के संशय में रहते हैं मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो प्राविधिक कला को लेकर के संशय में रहते हैं आपके मन में कोई ना कोई डाउट रहता है कितने लोग हैं फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो प्राविधिक कला को लेकर के डाउट रहते हैं एम ए बी एड है क्या एलटी टी में भर सकते हैं आर्ट से नहीं है नहीं आर्ट से करने के लिए आर्ट से स्नातक जरूरी है अच्छा एक बात और जो आप जानना चाहते हैं कि अगर एलटी टी की वैकेंसी आ रही है अगर एलटी टी की वैकेंसी आ रही है तो एल टी कला के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए एलटी टी कला को लेकर के क्या योग्यता होनी चाहिए सबसे पहली बात कि विषय से स्नातक कला विषय में अस्नातक हो मिनिमम पचास प्रतिशत ठीक है पचास प्रतिशत से अधिक आपका अंक हो उसके बाद आप बीएड क्वालिफाई हो बीएड पास हो मतलब कला विषय में स्नातक या तीन वर्षीय त्रिवर्षीय डिप्लोमा आप कहीं से किए हैं तो आप इसमें जोड़ सकते हैं अगर कला विषय में अब कला का मतलब जैसे जो लोग इतिहास से करते हैं जो लोग भूगोल से करते हैं जो लोग संविधान राजनीति से करते हैं ये भी कला वर्ग के माने जाते हैं ये कला वर्ग अलग बात है इसमें एक विषय होना चाहिए कि आप कला से पढ़े जैसे इतिहास हो गया भूगोल आपने ले लिया और एक विषय आपने कला ले लिया तो कला विषय होना आवश्यक है ठीक है अगर आप यमए बीएड हैं तो यलटी नहीं भर सकते अगर आप कला विषय से स्नातक नहीं किए हैं ठीक है बॉम्बे आर्ट का कोई मतलब नहीं है बॉम्बे आर्ट एक सर्टिफिकेट कोर्स है समझ गए हैं यल की कला की योग्यता यही है अब इसके अलावा आप बी एफ ए किए हो, एम एफ ए किए हो, तो वो अलग विषय है लेकिन कम मिनिमम सबसे योग्यता यही है जो मिनिमम कम से कम माना जाता है एम आई आर्ट से है तो आप जी आई सी लेक्चरार का भर सकते हैं हाँ, हाँ हायर के लिए भर सकते हैं एम आई अगर आप किए तो हायर के लिए भर सकते हैं अब एक चीज देखिए जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि उनको विजुअल आर्ट से तैयारी करनी है या कला विषय से उन्हें तैयारी करनी है तो अगर आप विजुअल आर्ट के द्वारा तैयारी करना चाहते हैं आपको लगता है कि आप कला के शिक्षक बनना चाहते हैं किसी भी लेवल पर तो आप सभी को पता होगा कि मैं पेड क्लास चलाता हूं मेरी जो पेड मतलब चलती है, क्लास। ये जो क्लास है वो पार्थ एजुकेशन के अप्लीकेशन पर चलती है शाम की टाइमिंग है सात बजे से एप्लीकेशन पर यह क्लास लाइव होती है अगर आपको लगता है कि सही तैयारी करनी है अगर आपको लगता है कि बेहतर तैयारी करनी है सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है बताइए कौन नहीं चाहता है कि जिसे नौकरी चाहिए कौन नहीं चाहता कि जिसे नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए आप अगर किसी भी विषय में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जीवन स्तर सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा तो हर आदमी अपने जीवन में स्थायित्व चाहता है पढ़ने का तरीका पढ़ने का जो कंटेंट है वो और एक सही रणनीति के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी क्यों क्योंकि कभी कभी ये होता है हमारे मन में कि हमें लगता है कि हम यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लें वहां से थोड़ा सा पढ़ लें वहां से थोड़ा सा पढ़ लें दो चार पैसे बचाने के चक्कर में दस साल तैयारी करते हैं ना कोचिंग करते हैं ना गाइडेंस लेते हैं ना मैटर बढ़िया लेते हैं कई सारे डाउट्स लेकर के जीते रहते हैं हमसे पढ़े हमने कुछ बताया उनसे पढ़े उन्होंने कुछ बताया पब्लिक क्लास फ्री की क्लास पे ऐसा नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि फ्री की क्लास से आपका लाभ नहीं होगा जो कंटेंट क्लियरिटी वो कैसे होगी जो एथेंटिक कंटेंट है वो कैसे मिलेगा जो व्यवस्थित लेक्चर है वो कैसे आप पाएंगे किसी से पढ़िए पूरे भारत में पूरी दुनिया में खुद से पढ़िए लेकिन समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ एक सही कंटेंट का अध्ययन करिए बार बार अध्ययन करिए सही रणनीति पर चलिए देखिए जब आपको ये पता होगा कि हमें जाना है तो आप चलते रहेंगे जिंदगी भर कभी पहुंचेंगे नहीं जब आपको ये पता होगा कि आपको कहाँ जाना है तो आप सही दिशा में चलेंगे और सही जगह पहुंच जाएंगे तो शिक्षक का गाइडेंस यही होता है अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो विश्वास रखिए बहुत ही बेहतर कंटेंट अपडेटेड मैटर लाइव क्लास डाउट सेशन हालांकि डाउट सेशन के लिए बचता ही नहीं डाउट कुछ ज्यादातर डाउट्स मेरे एक दो बचते हैं वो क्लास के दौरान ही खत्म हो जाते हैं लिखित हैंड रिटर्न का नोट्स दिया जाता है अगर आप अपने पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपल सा प्रोसेस करना है कि सीधा सीधा बात है पार्थ एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप जुड़ जाइए अभी बहुत मिनिमम फीस है केवल चौदह सौ निन्यानवे फीस है जो भी बच्चे इस वर्ष पास हुए हैं स्नातक पहले से किए थे इस वर्ष अगर वो प्रावधिक कला पास हुए हैं तो उनके लिए केवल और केवल चौदह सौ निन्यानवे रुपए में केवल और केवल चौदह सौ निन्यानवे रुपए में ऑफर उपलब्ध है एक से दो दिन का ऑफर है आप हमारे एप्लीकेशन तिरानवे पैंतीस पैंतीस एक डबल जीरो तीन पर कॉल कर कर तो करिए फिर तिरासी अठारह इक्यासी छब्बीस पचास पर कॉल करिए चौरानवे इक्यावन इक्कीस छाछठ छप्पन पर कॉल करिए बस कॉलिंग की जो टाइमिंग है वो ध्यान रखिएगा सुबह दस बजे से लेके शाम को चार बजे तक कॉल करेंगे ऑफिस टाइम पर तो कॉल आपकी रिसीव होगी क्या होगा कैसे होगा सारी जानकारी यहां बड़े प्रेम से आप सभी को दी जाएगी फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कह सकते हैं इक्विलेंट मतलब उसके समकक्ष जो होता है समकक्ष अगर आप करना चाहते हैं तो समकक्ष इक्विलेंट कहा जाता है सर ये आर्ट से हैं बीएड हैं एलटी के लिए भर सकते हैं हायर है नहीं भाई बी ए में होना जरूरी है आपके बड़े भाई की शादी हो जाएगी तो आपका आपके घर दुल्हन आएगी लेकिन आपके लिए दुल्हन नहीं आएगी समझिए बात को बड़े भाई की शादी होगी तो वो दुल्हन आपके लिए नहीं आएगी बड़े भाई के लिए आएगी तो अगर आपने कला से पीजी किया है तो पीजीटी टी ही भर सकते हैं टीजीटी नहीं भर सकते हैं। टी के लिए मिनिमम योग्यता उस स्नातक में आपने विषय को पढ़ाओ ठीक है स्नातक में आपने पढ़ा हो अरे भाई मतलब का मतलब जैसे अगर आप कह रहे हैं कि इक्वेलेंट का मतलब क्या होगा हमने कहा कि आपने हम तीन वर्षीय बी किया हो अब तीन साल का बी नहीं आपने मान लीजिए बीएससी कर लिया है मान लीजिए आपने बी कर लिया है आपने बी कर लिया है मान लीजिए आपने बीबीए कर लिया है मान लीजिए आपने बीटेक कर लिया है तो बी ए के समकक्ष ये सब डिग्रियां मानी जाती है जो तीन वर्षीय चार वर्षीय कोर्स होते हैं वो बी ए के समकक्ष हैं तो तीन वर्ष या चार वर्ष जो डिग्री दी जाती है वही समकक्ष है अब आपने कोई कंप्यूटर कोर्स कर लिया है कोई अदर कोर्स कर लिया है बीटेक कर लिया है बायोटेक कर लिया वो सब स्नातक के समकक्ष माने जाते हैं ठीक है स्नातक के समकक्ष माने जाते हैं तो चलिए उम्मीद है कि ये पूरी तरह से आप बात को समझ चुके होंगे इसी तरह से अगर आप फिर से कोई क्वेश्चन बोलेंगे तो मैं फिर से उस पर कोई वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा उम्मीद है कि आज के इस सेशन में आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे रियल देना है यूपी टीजीटी देना है इन विषय पर क्या क्या मुद्दे पर आपसे बातचीत होनी है वो सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे ठीक है तो जुड़िए हमारे साथ बिल्कुल बेहतर होगा अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे सब चीजें आपको व्यवस्थित तरीके से मिलेंगे ठीक है फिर से किसी वीडियो में मिलेंगे नमस्कार जय हिंद